नालासोपारा पूर्व स्थित संतोष भवन में भाजपा का जनसंपर्क कार्यालय खोला गया। यह कार्यालय भाजपा वसई विरार शहर जिला उपाध्यक्ष गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव उर्फ संजू द्वारा खोला गया, जिसका उद्घाटन भाजपा नेता जयप्रकाश ठाकुर के हाथों रिबिन काटकर किया गया। वहीं उनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष राजन नाइक, मनोज बारोट, जेपी सिंह व अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता भारी तादाद में उपस्थित रहे। वहीं जयप्रकाश ठाकुर ने कहा कि इस बार वसई विरार में सबसे ज्यादा सीट भाजपा चुनकर लाएगी। देखिए, निश्चित इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीट वसई विरार में चुनकर लाएगी। और आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, संजू भैया को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज दूसरे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है राजन नाइक हमारे जो जिला अध्यक्ष उनके नेतृत्व में। और निश्चित तौर से जो 25 साल से शासन है, लोगों को जो तकलीफें हैं, रास्ते नहीं है, पानी नहीं है, गटर नहीं है, खेलने के लिए मैदान नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, इन सब विषयों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। महाराष्ट्र में देवेंद्र जी ने काम किया और यहाँ वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी को चुनकर दीजिए और हम लोगों का काम करेंगे, यह विषय लोगों के पास हम लेकर जाएंगे। क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय खुल रहे हैं, इनका आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में किस तरह के सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं? निश्चित तौर से जो कार्यालय खोल रहे हैं उनके माध्यम से लोगों के काम होंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, जनता के विषयों को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और हम जनता को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे जोर शोर से यहाँ चुनाव लड़ रही है, आप उनको मदद करें। तो वहीं भाजपा नेता जयप्रकाश ठाकुर, राजन नाइक, संजू श्रीवास्तव आदि मान्यवरों ने लसावीर मंदिर में जाकर माथा टेका। वहीं महिला एकत्रीकरण को लेकर भाजपा व शक्ति जनहित मंच के बैनर तले भव्य हल्दी कुमकुम का आयोजन रखा गया, जिसमें भारी तादाद में महिलाओं ने शिरकत की। वहीं संजू श्रीवास्तव ने इस मौके पर क्षेत्र से भ्रष्टाचार दूर करने का आश्वासन दिया। संजू जी, आज जो जनसंपर्क कार्यालय का शुभारंभ आज किया गया है और ये हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का भी आज आयोजन किया गया है, इसका आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है? ये बहुत ही शानदार होने वाली है। जनसंपर्क कार्यालय हमारा हर गली में भाजपा का जनसंपर्क कार्यालय खुलेगा और जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है उसका उजागर करेगा और वार्ड में जो कार्य नहीं हुई है वो मुद्दा बनाएगा और वो मुद्दा लेकर के लोगों के बीच में जाएगा और वो कार्य भी करेगा। जिस तरीके से पिछले कई सालों से जो बहुजन विकास आघाड़ी के यहाँ पे नगर सेवक हैं, लोगों का शोषण किए हैं, जहाँ पानी कनेक्शन में हमेशा जो धमकी देते कि पानी काट दिया जाएगा, लाइट काट दिया जाएगा, आज हमें विश्वास है यहाँ की प्रशासन, यहाँ की मीडिया इतनी एक्टिव है कि कोई किसी में इतनी दम नहीं है कि कोई पानी और कनेक्शन कटवा देगा। और जिस तरीके से पानी कनेक्शन में वसूली हुई है और हर महलिया बनता है उस पर नगर सेवक के लोग वसूली करते हैं, वो सब बंद करना है और वार्ड में जो शोषण होता है, जो दबाने की कोशिश हो रहा है, उसे बंद किया जाएगा। और हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के वार्ड में जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसको उजागर करेंगे और सही कार्य करने की कोशिश करेंगे।